हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है सी जी एंड एनिमेशन। मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रदीप अवस्थी और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सिखा रहा हूं आफ्टर इफेक्ट। तो वो दोस्तों, बेसिकली आफ्टर इफेक्ट में मैं आज बात करने वाला हूं ग्रीन स्क्रीन की, यानी क्रोमा की। ये एक तरीके का VFX है जो हॉलीवुड बॉलीवुड, मुझे कहना पड़ेगा हॉलीवुड बॉलीवुड, हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक फुटेज पड़ी हुई है 1080p एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन होती है एक, हम लोग इस पर आज बात करेंगे एक्सप्लोजन के ऊपर कि एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन कैसे होता है। ऐसे इस तरीके की ग्रीन स्क्रीन होती है तो हम लोग क्या करते हैं इस ग्रीन स्क्रीन पर, यानी ग्रीन स्क्रीन जो होती है हमारी, ग्रीन के सामने हम पूरा एक्ट करते हैं। जैसा भी मुझे शूट करना है उसी एंगल पे हम लोग उसी फुटेज का शूट करते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इस ग्रीन स्क्रीन को हटा देते हैं, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन, किसी के बाल ग्रीन नहीं होते हैं कभी भी। आपने देखा होगा किसी भी एक्टर के या किसी भी जगह के बाल ग्रीन नहीं होते। अगर हमारी स्क्रीन ग्रीन यूज़ हो रही लेकिन उसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है तो वो भी गायब हो जाएगी, या फिर या कि कहीं पे जैसे इन्वायरमेंट है वहाँ का इन्वायरमेंट ग्रीन है तो आप वहाँ पे ब्लू स्क्रीन यूज कर सकते हैं। जैसे स्काई आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो इस तरीके से आप अगर ब्लू स्काई है तो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली VFX में ग्रीन और ब्लू दो तरीके कलर, ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन काफ़ी हद तक यूज किया जाता है। इसमें ग्रीन स्क्रीन 90% और ब्लू स्क्रीन 10% पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तो किस तरीके से परफेक्टली हम लोग रिमूव करते हैं। जैसा कि इसका हमारा पहले वीडियो का टारगेट ही है कि हाउ टू रिमूव परफेक्टली ग्रीन स्क्रीन, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं, इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन परफेक्टली हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एक फुटेज है ग्रीन स्क्रीन की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक न्यू कंपोजिशन, देन न्यू कंपोजिशन एंड ओके। ओके, ये हमारी कंपोजिशन आ गई। देन हमारे पास एक ये फॉरेस्ट की इमेज है, मैं इसको ले आया अपने इस पर। खैर फुल HD मेरे पास इमेज नहीं है, कंट्रोल आल्ट F अप्लाई कर दिया, इमेज हमारी फिट हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इस एक्सप्लोजन इमेज को हम लोग ले आएंगे अपनी इस फॉरेस्ट वाली इमेज के ऊपर, उसको कर देंगे कंट्रोल आल्ट और F। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ से ग्रीन फुटेज ही निकालता हूँ सिर्फ, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन मेरा पूरा ग्रीन स्क्रीन बेस्ड नहीं है। इस वाले फुटेज को जैसे हम लोग यहाँ से लेते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, इस जगह से, यहाँ से, तो मैं इसको करता हूँ आल्ट एंड लेफ़्ट P के बगल में जो दो ब्रैकेट होते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट। इसके बाद मैं देखता हूँ ये एक्सप्लोजन कहाँ तक है, ये एक्सप्लोजन हमारा यहाँ तक है, तो इस जगह तक अपना एक्सप्लोजन रखते हैं। इसके बाद इसको आल्ट लेफ्ट ब्रैकेट कर दिया हमने, इसको राइट क्लिक, मैं जाता हूँ टाइम, देन टाइम स्ट्रेच। मैं अभी ये टाइम स्ट्रेच फुटेज 200 करता हूँ मैं इसको। हमारी फुटेज बड़ी हो गई, लगभग 7 सेकंड के अराउंड हो गई, अभी थोड़ा सा स्लो चल रही होगी इस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल के लिए रियल टाइम प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ तक लेके अपनी फुटेज को करता हूँ यन एंड राइट क्लिक ट्रिम काम टू वर्क एरिया। आप इस तरीके से अपने काम को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए होता क्या, इस पर ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए सबसे पहले आपको वो फुटेज सेलेक्ट करनी होगी। वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट कीइंग में दिए हुए हैं, ये कीइंग की जाती है इसकी, KEYING कीइंग कहते हैं इसको, CC सिंपल वायर रिमूवर, इसके थ्रू आप वायर को रिमूव कर सकते हैं। कलर डिफरेंस की है, इसके अलावा कलर की है, जब वाइट कलर वगैरह आप रिमूव करते हैं किसी इमेज का तो इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। कलर रेंज आप एक ग्रेडियंट कलर को रेंज को सेलेक्ट करके हटा सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग इस पे इनर और आउटर वगैरह लीनियर कलर की सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लूमा की क्या होती है वगैरह वगैरह। इस पे हम लोग सिर्फ एक इफेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है की लाइट 1.2, जो बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट CS6 के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी इफेक्ट एंड प्रीसेट पे चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं सर्च करता हूँ KEYLIGHT की लाइट, जैसे ही सर्च करेंगे की लाइट इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन होते हैं की लाइट के, जैसे ये कट का निशान बना हुआ है यहाँ पर, की लाइट का वर्जन दिखा रहा है। ये यहाँ पर कुछ एक व्यू के ऑप्शन होते हैं, सोर्स अल्फा, करेक्टेड सोर्स, करेक्टेड एज, स्क्रीन मैट, इनसाइड मास्क, आउटसाइड मास्क, कंबाइनिंग मैट, स्टेट टेस्ट वगैरह वगैरह, फाइनल रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट वगैरह वगैरह। इसका ये स्क्रीन कलर है, हम लोग यहाँ से इस यहाँ पे एक पिक आइकॉन बना हुआ है, इससे हम लोग अपना एक कलर चूज करेंगे जो हमें हटाना है। इसके अलावा स्क्रीन गेन कितना रहेगा हमारा, 100% रहेगा, वैसे बाय डिफॉल्ट 100% रहता है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो जैसे हमको ग्रीन स्क्रीन का कलर ग्रीन हटाना है तो मैं यहाँ पे इस अपने कलर बॉक्स वाले आइकॉन को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन एरिया, पहले हम लोग स्टार्टिंग पे चलते हैं कलर बॉक्स आइकॉन को हटाने के बाद।
पहले यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देते हैं, स्टार्टिंग पे चले गए, हमारा सारा कुछ ग्रीन है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ से एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक्सप्लोजन स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम लोग ग्रीन अपना ले लेते हैं। आप कहीं भी ग्रीन पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन आपका हट गया, पीछे की फुटेज दिखने लगी, ये फुटेज दिखने लगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो अपनी उस इमेज को पहले मैं नीचे वाली फुटेज को ऑफ कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई देना चाहिए कितना हट रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हम लोग करते हैं सोर्स अल्फ़ा, तो अल्फ़ा सोर्स में जो हमारा वाइट एरिया है वो सिर्फ दिखेगा। इसके अलावा हम लोग कर लेते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट, तो इंटरमीडिएट कितना आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे स्क्रीन मैट देख लेते हैं, तो स्क्रीन मैट में का आपका होगा क्या, जैसे मैट आप अप्लाई करते हैं सबसे अच्छा तरीका है आप स्क्रीन मैट देखते जाएं और फाइनल रिजल्ट देखते जाएं, सिर्फ दो पे ध्यान रखें, एक फाइनल रिजल्ट पे और एक स्क्रीन मैट पे। अभी मैं अगर इसको जूम करता हूँ, या स्टेटस भी आप देख सकते हैं इसका कि कैसा क्या हुआ है। मैं स्क्रीन मैट पर रहता हूँ, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटर एजेस जो है अभी इतने शार्प नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन गेन बढ़ाते हैं इसका। स्क्रीन गेन जैसे ही बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है कि हमारा बिल्कुल पी जो ओरिजिनल फुटेज है फाइनल रिजल्ट में वही चला जाए, इस तरीके का भी नहीं करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन गेन पहले 100% लाता हूँ, इसको रीसेट कर दिया हमने। इसके बाद इसको हम लोग करते हैं सोर्स अल्फ़ा, यानी स्क्रीन मैट करते हैं, सोर्स अल्फ़ा भी आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीन गेन थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं ताकि जो आउटर एजेस हैं थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। इसके बाद हम इसका स्क्रीन बैलेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि मेरा स्क्रीन का बैलेंस रहे, जैसे ये आ गया, जो वाइट पार्ट है आपका विजिबल है, मैं इसको 100% तक लेके जाता हूँ इस तरीके से स्क्रीन बैलेंस को, ठीक है ना। इसके बाद स्क्रीन ये प्री ब्लर है, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ब्लरनेस बढ़ा सकते हैं आउटर एजेस पे। इसके अलावा स्क्रीन मैट ऑप्शन और भी आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये स्क्रीन मैट हमने इस तरीके से हटा दिया है। इसके अलावा आप स्क्रीन ग्रेन बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा प्री ब्लर वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके, क्लिप ब्लैक, क्लिप वाइट एंड क्लिप रोल बैक, इनसाइड मास्क वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल के लिए आपका उतने ही ऑप्शन में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से परफेक्टली हटा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल ये आखिरकार हुआ क्या, हमने स्क्रीन गेन बढ़ाया है और स्क्रीन बैलेंस बढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फिर से फाइनल रिजल्ट पे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बन गया है वो ये है। हम चाहें तो स्क्रीन ग्रेन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जो ग्रीनिश पन है वो आसपास का हटा चुके हैं हम लोग। अभी आप लास्ट में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं ये, तो हम इसके लिए स्क्रीन बैलेंस थोड़ा सा अपना कम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं स्क्रीन बैलेंस इस तरीके से। तो फाइनल रिजल्ट में भी आप साथ साथ देखते जाएं और अपनी नीचे वाली फुटेज को ऑन करते हैं, ठीक है ना। ये वाली फुटेज जैसे ही ऑन करते हैं, अभी स्टार्टिंग से चलते हैं, इसको प्ले करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पत्ते जले हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है आपका ये। तो इस पर क्या करते हैं हम लोग, कैमरा सेक लगाते हैं, तो नीचे वाले को इमेज को थोड़ा सा हम करते हैं यस, देन थोड़ा सा स्केल अप, देन इस पर हम लोग करते हैं, या आप इसको पहले एक काम करें, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट सी यानी प्री कम्पोज करते हैं इन दोनों को। इसके बाद इस प्री कम्पोज लेयर को हम थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, इसका इसकी पोजिशन हम लोग खोलते हैं, पोजीशन के स्टॉप वॉच पे ऑल्ट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है VIGGLE वीगल, इसके बाद आप इस पर वीगल दे सकते हैं, जैसे 2, मैं इस पर वीगल देता हूँ 6.05, इसको कर दिया हमने क्लोज, बाहर क्लिक कर दिया। इसके बाद वीगल एक्सप्रेशन मुझे शायद एडिट करना पड़ेगा, तो मैं इस पर 2 करता हूँ 6.2, क्योंकि कॉमा मेरा नहीं लगा है शायद, 6.2 इसके बिगल एक्सप्रेशन हमने दे दिया, तो इस तरीके से इसका कैमरा सेक करता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे अब इसको हम स्टार्टिंग से प्ले करते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, तो इस तरीके से कैमरा सेक करता हुआ हमें दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विगल एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने परफेक्टली यहाँ पे मैच करा लिया। इसके अलावा वगैरह वगैरह मास्किंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा इस लेयर को मैं मास्क करके ऊपर रख सकता हूँ। इसके बाद काफ़ी कुछ, इसके साथ बहुत कुछ आप एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसके लिए ट्रैकिंग भी करनी चाहिए, जैसे मैंने अब फायर सीन रखा है, तो ट्रैकर वगैरह क्या होते हैं सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का हमारा वीडियो, किस तरीके से हम लोग ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं और अपनी फुटेज पर लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।